हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। एंडोमेट्रोसिस आजकल बहुत ही कॉमन समस्या आने लग गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर महिला में हर महीने माहवारी आती है, तो जो माहवारी का जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। अब लेकिन जो कुछ ब्लड होता है वो थोड़ा बहुत ब्लड उल्टी डायरेक्शन में जाके ट्यूब से पेट में जाता है। ये सभी महिलाओं को थोड़ा बहुत होता है और जो ये ब्लड थोड़ा बहुत गया है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में जो ये उल्टी डायरेक्शन में गया हुआ ब्लड जमा होने लगता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, वो ओवरी पर, बच्चेदानी के पीछे, आंतों पर, पेशाब की नलियों पर, इन पर जमा होता है। और वो जमा होने के साथ साथ जैसे जैसे हर महीने महीना आता है वैसे वैसे वो भी अंदर ब्लीड करता है और आसपास के जो टिश्यू होते हैं, मतलब जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं, उनको आपस में लेने लगता है, सबको चिपकाने लगता है। तो एंडोमेट्रोसिस की बीमारी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर से ज़्यादा बुरी है। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? मोस्टली पेशेंट इसमें पेन के साथ आते हैं, मतलब महीने के समय बहुत तेजी से दर्द होना, महीना आने से पहले ही 5-7 दिन पहले ही दर्द स्टार्ट हो जाता है और महीना आने पर बहुत तेज होने लगता है और जैसे महीना खत्म होता है तब भी दर्द रहता है। वो जैसे जैसे अगर वो यूट्रस के पीछे आंतों को चिपकाएगा तो उसको पेशेंट को लैट्रिन जाने में दर्द रहेगा। अगर पेशाब की नली इन्वॉल्व है या पेशाब की थैली इन्वॉल्व है तो यूरिन पास करने में भी दर्द होगा। और इसके अलावा पेशेंट हस्बैंड वाइफ को मिलने में, मतलब इंटरकोर्स में भी पेन होगा, या डिसपेरियूनिया कहते हैं। तो इसमें मेन सिम्टम पेन का होता है, पीरियड्स में दर्द होना, इंटरकोर्स पर पेन होना, यूरिन पास करने पे दर्द होना या मोशन जाने पे दर्द होना। जो जो टिश्यू इन्वॉल्व होगा उस उसके सिम्टम्स आएंगे। तो ये मोस्ट कॉमन समस्या है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज भी किया जाता है ये सब देखने के लिए कि भाई यूट्रस इन्वॉल्व है या ओवरी इन्वॉल्व है या और भी आसपास का टिश्यू इन्वॉल्व है। ये सोनोग्राफी में काफ़ी हद तक हम पता कर लेते हैं। अगर सोनोग्राफी में नहीं समझ आ रहा है तो एक एमआरआई भी करवाते हैं। एमआरआई में और बेटर क्लियर पिक्चर हो पाता है कि यूट्रस कितना इन्वॉल्व है या ओवरी में कितना इन्वॉल्व है या इंटेस्टाइन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये सब पता लग जाता है। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट में डिपेंड करते हैं कि कौन सा चीज आया है। अगर ओवरी में गांठ आई है, मतलब ओवरी में एंडोमेट्रोसिस आया है जिसे एंडोमेट्रोमा कहते हैं, तो उसका सर्जरी होता है जिसे हटवाना पड़ता है। अगर बहुत ही छोटे साइज का है, 2-3 सेंटीमीटर का है, तो एक बार मेडिसिन भी ट्राई की जाती है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, 2-3 महीने का मेडिसिन लेना पड़ता है तो बेटर है। अगर नहीं ठीक हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो सर्जरी होगा। अगर आंतों के अंदर, मतलब यहाँ पे जो पीछे लैट्रिन का थैली से रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम और पीछे यूट्रस के बीच में अगर गांठ है तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर इंटेस्टाइन काफी इन्वॉल्व हो गई है, रेक्टम की दीवारों में घुस गए, तो उसको हमें हटाकर निकालना पड़ता है। इसके अलावा अगर पीछे यूट्रोसेकल जो लिगामेंट होते हैं यूट्रस के पीछे, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नोड्यूल बन गया है, तो वो हटाना पड़ेगा। अगर यूरेटर, मतलब पेशाब की थैली को नली को इन्वॉल्व करने लग गया है, तो उसको भी उस बेकार पार्ट को हटा के फिर वापस से जोड़ना पड़ता है। तो अगर कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो हमें सर्जरी करानी पड़ती है। अगर थोड़ा बहुत दर्द है, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस भी आते हैं कुछ, और इसके अलावा एक मिरीना जिसे कि दवाई वाला पोपर्टी आप कह सकते हैं, वो यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये काफी हद तक दर्द में निवारण हो जाता है। तो एंडोमेट्रो, अगर आपको कोई भी सिम्टम है, अगर आपको एंडोमेट्रोसिस के कोई भी सिम्टम लग रहे हैं, जैसे महीने में दर्द होना या इंटरकोर्स में दर्द होना या बच्चा नहीं लगना, अगर ये सब कारण है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू।